हमारे साथ मौजूद हैं जीन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जो डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हैं विशाल सिंह जी जो जींद से हैं सर क्या ड्रॉ कर रहे हैं अभी आप यहाँ पे सर मैं अभी फ्रंट क्वार्टर व्यू बना रहा हूँ एक कार का ये मैंने रेंडर किया था थ्री डी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में अब मैं बेसिकली फोटोशॉप चला रहा हूँ ये सिंटिक है ये टच सेंसिटिव होता है डिस्प्ले की तरह ही काम करता है लेकिन आप इसमें इनपुट अपने पेन से दे सकते हैं जैसे जैसे आर्टिस्ट लोग आ, अपनी ब्रशेज़ रखते हैं साथ में इसमें डिजिटल में ये सब सामान सेव्ड होता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग बस ब्रशेज़ हैं ना ये सब नॉर्मल ब्रशेज़ हैं जो आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं लाइफ में और इन सब को सिम्यूलेट किया जाता है इसमें असली ज़िंदगी जैसा दिखाया जाता है आ, हम इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि प्रेशर सेंसीटिविटी से हम चीज़ें रियल रखते हैं ताकि वो ऑथेंटिक लगें इसकी निब में भी प्रेशर सेंसिटिविटी होती है आप कितना दबाते हो उसको उससे डिसाइड होता है कि वो हल्का चलता है कि गाड़ा वाह क्या बात है और डिजिटल में काम करने की एक का एक फ़ायदा ये होता है कि फॉरगिविंग मीडियम ओके अगर आप मैन्युअली कोई पेपर पे गलती कर देते हैं किसी स्केच में तो वो आपको बख्शेगा नहीं आपको शीट फाड़ के फेंकनी पड़ेगी इसमें आप अंडू कर सकते हो इरेज कर सकते हो उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो बेसिकली इसमें लेयर्स में काम होता है आप जैसे एक लेयर में ये स्केच बना लो फॉर एग्जाम्पल और मैं बड़े सिंपल डायनेमिक्स दे रहा हूँ कार को सिंपल बॉक्सी और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेड कलर से इसमें फिल करना चाहता हूँ और अब पेंसिल की जगह मैं ब्रश लेना चाहता हूँ जैसे चारकोल ब्रश है तो अगर मैं इस पे रेड कलर से स्केचिंग करूं, तो आप ध्यान दीजिएगा वो अलग लेयर में ये अंडू की सुविधा है जैसे अपने पास वी गो बैक इन द फोटोशॉप वी कैन सेलेक्ट अनदर लेयर नाउ और इफ़ वी डू सम मिस्टेक ऑन दिस वन इन दिस लेयर सो वी कैन इरेज इट और पीछे बैकग्राउंड में जो दूसरी लेयर में काम किया था वो इरेज नहीं होगा तो ये सब इनकी कुछ खासियत है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है बहुत पुराना फोटो मैनिपुलेशन का सॉफ्टवेयर है धीरे धीरे उन्होंने बहुत डेवलप किया है अब लोग इसको रेंडरिंग में यूज़ करते हैं इस ट्रिक को रेंडरिंग बोलते हैं जो हम स्केचेस बना के और क्लोज टू रियलिटी लेके आते हैं प्रोडक्ट को स्केचेस विल बी पेंसिल्स एंड टू डी फ्लैट फ्लैट थिंग्स यहाँ पे हम लाइट एंड शेडो का इस्तेमाल करते हैं उसे एज रियल एज पॉसिबल दिखाते हैं तो ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी की है और एक यहाँ पर एक और है हमारे साथ जो डिज़ाइनिंग ही कर रहे हैं आपका क्या नाम है मेरा नाम मुस्कान है मैं और जी की स्टूडेंट हूँ बी डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ और मैं कार को रेंडर कर रही हूँ तो कौन सी कार को रेंटर कर रहे हो आप किसको रीडिजाइन कर रहे हो इसको रीडिजाइन इसका कलर चेंज करना है जैसे कि फ़ोटोशॉप है जैसे पहले मैं आ, स्केचिंग ज़्यादा करती थी अब मैं जब मैंने जब फ़ोटोशॉप सीखी तो मैं उसको देखा कि उसको मैं डिजिटली कैसे लेकर कर आऊँ उसके ऊपर तो मैंने ये सारे टूल्स वगैरह सीखे और मेरी डिजिटल डिजिटल ड्राइंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है फ़ोटोशॉप यूज़ करके इसी तरह से हमारे पास हमारे साथ हैं एक और यहाँ पर डिजाइनिंग हो रही है आपका क्या नाम है भावना भावना जी क्या डिज़ाइन कर रहे हैं आप एक्चुअली मैं ऐसे स्केचिंग करवाती हूँ बच्चों को तो बेसिकली मैंने फोटोशॉप में ही बच्चों को कैसे रेंडर करना है वो भी सिखाती हूँ तो ये कुछ बच्चों ने स्केचेस बनाए हुए हैं तो मैं तो सीजर बता देती हूँ कैसे किया हुआ है जैसे कि वो रफ़ टू फिर बाद में उन्होंने कैसे उनको लेकर जाना है प्रॉपर एक फॉर्म निकालते हैं एंड देन उसमें उससे ही कोई एक डिज़ाइन निकल कर आता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्निक को यूज़ करते हुए आज एजुकेशन को एम्पावर किया जा रहा है और ये छात्रवर्ग को बेसिक से लेके एक मास्टर स्ट्रोक तक जी यूनिवर्सिटी में ऑटोमेशन सेंटर द्वारा सिखाया जाता है शायद यही वो एज है जिसे प्राप्त करने के लिए पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत और मैं कहूँ कि पूरे देश से वर्ग पहले विदेश में जाता था और आज भी शायद बहुत कम छात्रों को इस बात का पता होगा जिला कपूरथला के तहसील फगवाड़ा में स्थापित जी यूनिवर्सिटी में ये सारी अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एक ही छत के नीचे ऑटोमेशन सेंटर में उपलब्ध है